प्रकाश ढोकने जी का सवाल है कि दोनों को ऐसा लगता है कि एडजस्टमेंट मैं ही क्यों करूं। ये होता है क्योंकि हर व्यक्ति अपने तरीके से अपने बारे में सोचता है और हर प्रॉब्लम की तरफ अपने दृष्टिकोण से सोचता है, इसलिए ऐसा होता है। इसके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हम लोग उपयोग में लाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी कोई प्रॉब्लम आपको है ऐसा लगता है, सबसे पहले अगर आपका एक ही प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए, फिर खुद एक लिस्ट बनाइए। उसमें एक हिस्से में मैं मेरे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है ऐसा मुझे लगता है हम दोनों के शादी में, फिर उसके बाद में एक हिस्से में लिखिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने क्या क्या करना चाहिए, मैंने यानी पति ने क्या क्या करना चाहिए, और फिर उसके ही तीसरे हिस्से में आप लिखिए मेरे पत्नी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने ये करना चाहिए, पत्नी ने ये करना चाहिए, उसके सामने लिखिए। मैंने नंबर दो ये करना चाहिए, पत्नी ने ये करना चाहिए, यानी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने अपने आप में क्या बदलाव करना चाहिए, उसके सॉल्यूशंस आपने कैसे ढूंढने चाहिए, इसकी लिस्ट आपने बनाई हर प्रॉब्लम के साथ में। उसी के सामने आपकी क्या अपेक्षा है, पत्नी ने क्या करना चाहिए, वो लिखिए। लिख दिए, फिर इसमें का जो प्रॉब्लम का हिस्सा है उसको कॉपी कीजिए, पत्नी के सामने देने के बाद कहिए कि तुझे भी इस ढंग से लिखना है, तुझे हमारे मैरिज में हम दोनों में क्या प्रॉब्लम्स है ऐसा लगता है इसकी लिस्ट बना, उसके लिए तूने क्या करना चाहिए यानी पत्नी ने क्या करना चाहिए, हर प्रॉब्लम के बारे में क्या बदलाव अपने आप में लाना है या उसके लिए क्या एक्शन लेनी है, इसकी लिस्ट उसके सामने बना, और उसके ही सामने पति ने यानी मैंने क्या करना चाहिए तेरी अपेक्षा, ये भी तू लिख और शांति से लिख, कोई गड़बड़ नहीं। और ये जो मैंने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की है इसकी चीट बाद में पढ़, पहले ये बिना देखे खुद के प्रॉब्लम्स क्या लगते हैं, हम दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स तुझे क्या लगते हैं, इसकी लिस्ट बना और उसके इस ढंग से जवाब लिख, और फिर मेरी लिस्ट पढ़ बाद में। ये लिस्ट पढ़ने के बाद में अगर तुझे लगता है कि हाँ मेरे पति ने ये प्रॉब्लम बोला ये हम दोनों में है, पति ने बोला ये प्रॉब्लम हम दोनों में नहीं है, तो जो नहीं है ऐसा लगता है वो इस लिस्ट में से काट दे, प्रॉब्लम वही रहने दे लेकिन उसको काट दे, क्रॉस कर दे, और जो है ऐसा तुझे लगता है तेरे लिस्ट में है तो वहां टिक मार कर, अगर तेरे लिस्ट में नहीं है तो उसको ऐड कर। तो दोनों को क्या प्रॉब्लम्स लगते हैं इसकी एक लिस्ट बन जाएंगे, दोनों साथ में नहीं बैठे अलग अलग बैठे अलग अलग सोच रहे हैं, एक लिस्ट बन गई है। इसमें पति ने खुद लिखा है कि मैंने क्या क्या सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, मुझ में अपने आप में क्या बर्ताव लाने हैं, ये हर प्रॉब्लम के लिए मैंने क्या करना चाहिए ये ऑलरेडी लिखा है, पत्नी ने क्या करना चाहिए उसकी क्या अपेक्षा है ये भी लिखा है, पत्नी के लिस्ट में भी इसी ढंग से है। अब दोनों लिस्ट एक दूसरे को शेयर कीजिए तो आपको ऐसा दिखेगा कि इसमें से कुछ प्रॉब्लम ऐसे है कि जिसके बारे में हम सिमिलर सोच रहे हैं, सिमिलर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, यहां हमारा एकमत हो सकता है। जितना एकमत होता है उस प्रॉब्लम्स को बाहर निकालिए और उसको पहली बार सॉल्व कर लीजिए, बाकी प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए, वो प्रॉब्लम्स नहीं है ऐसा मानकर आगे चलिए। हो सकता है कि आप दोनों को आइडेंटिफाई दोनों ने किए वो 10 प्रॉब्लम हो, उसमें से 4 प्रॉब्लम के बारे में आपका इतना मतैक्य है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, वो एडजस्ट कर बातचीत कर वो सॉल्व हो सकता है। अगर आप ये पहले 4 प्रॉब्लम सुलझा पाए इस ढंग से एक दूसरे को साथ देकर, तो आप दोनों में आत्मविश्वास आ जाएगा कि बाकी के भी प्रॉब्लम्स हम अच्छे ढंग से सुलझा सकते हैं, इसी ढंग से सुलझा सकते हैं, थोड़ा मुझे अलग सोचना पड़ेगा, थोड़ा मुझे ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी मुझे कम अपेक्षा रखनी पड़ेगी, इस ढंग से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हिस्सा आप बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हो। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।